बचेंगे, मुझे विश्वास है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैया जिस दिन तू इस हाव को खोले ना उस दिन मुझे जरूर सूचना कर देना। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं आज से 8 दिन बाद में इस हाव को खोलूंगी, तब तू आ जाना। प्रहलाद जी ठीक ध्यान रखा, जैसे ही हाव खोलने का समय आया प्रहलाद जी उस मैया के पास पहुंच गए और जाकर के जैसे ही हाव खोला उस मैया ने, सारी मटकी तो पक गई लेकिन जिस मटकी में उस बिल्ली के बच्चे बैठे हुए थे वो मटकी बिल्कुल कच्ची की कच्ची रखी है, चारों बच्चे सही सलामत है। प्रहलाद जी ने उस माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा मैया आज से तू मेरी गुरु है, मुझे अब निश्चय पता लग गया कि सबका मालिक परमात्मा है, ये तो सब अहंकार की बात है, मेरा पिता भगवान नहीं हो सकता, अब मैं उस नारायण का ही जाप करूँगा। अगर इन बिल्ली के बच्चों को भगवान ने बचाया है तो हर जीव को क्यों नहीं बचाएगा, जरूर बचाएगा। आज से मैं नारायण का जप करूंगा और भगवान का जप में प्रहलाद जी निरंतर लग गए। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। जैसे ही पढ़ने के लिए भेजा लेकिन गुरुजी से कह दिया संडा मृग जी से कि ऐसा ध्यान रखना कि जितने भी असुर विद्याएं हैं सारी विद्याएं सारी पट्टी इसको कूट कूट करके पढ़ा देना। संडा मृग जी ने कहा कि जो आपकी आज्ञा। अब सारे बच्चे तो जो संडा मृग जी पढ़ाते हैं जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन प्रहलाद जी बस सदा भगवान का चिंतन भगवान का जप भगवान का कीर्तन ही में लीन रहते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और बुला करके कहा कि बेटा गुरुजी ने तुझे क्या पढ़ाया क्या सिखाया जरा मुझे बताइएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी गुरुजी ने ये बताया है कि ये संसार असार है, जो जीव इस पृथ्वी पर आया है उसको जाना निश्चित है, अगर इस संसार से जिसको बचना है उसको बस एक ही उसका एक ही उपाय है, वो नारायण का भजन करे नारायण का कीर्तन करे। अगर जिस जीव ने भगवान का भजन नारायण का कीर्तन कर लिया फिर इस लक्चौरा से योनियों में आना नहीं पड़ेगा, इस संसार के दुख उसको भोगने नहीं पड़ेंगे। तुरंत हिरण्यकश्यप ने गोद में से उठा करके दूर धड़ाम से भगा दिया। संडा मृग को बुलाया कि मैंने कहा था कि इसको असुर विद्या सिखानी है, तुमने तो असुर विद्या के एक लक्षण तक नहीं सिखाया इसको, जिससे मैं द्वेष करता हूँ दुश्मनी रखता हूँ, सारे आसपास के जितने भी भक्त थे उसके सबको मैंने यहाँ से मार पीट के भगा दिया, जो बच्चे हैं उन्होंने भी उस नारायण का जप करना छोड़ दिया और मेरा ही पुत्र उस नारायण की मुझे ही उपदेश दे रहा है। संडा मृग जी ने कहा कि जो आपने कहा था वो ही मैंने पढ़ाया है और सारे बच्चों से पूछ लो, सारे बच्चों को मैं वही पढ़ाता हूँ। प्रहलाद को समझाया, समझाने के बाद में फिर कहा कि बेटा देखो वो नारायण हमारा दुश्मन है, अगर मेरे से प्रेम करना है तो उसका नाम छोड़ करके मेरा नाम जपना आरंभ कर दे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी तुम्हारे नाम जप करने से कल्याण थोड़ी ना होगा, जो अहंकारी पिता होते हैं अहंकारी जीव होते हैं वो यही कहते हैं सबके बच्चों को कि बस मुझे ही मानो और सारे संसार को छोड़ दो। पिताजी तुम्हारे जप करने से कल्याण होने वाला नहीं है, आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि तुम भी उस नारायण का भजन करो जप करो। हिरण्यकश्यप का क्रोध का पारा बढ़ गया और उस प्रहलाद भक्त को मारने का उपाय करना शुरू कर दिया, अनेकों पीड़ाएं प्रहलाद जी को देने लगा। जो भी मारने का उपाय प्रहलाद जी के लिए हिरण्यकश्यप करता तो उसमें ही असफल रहता,
विष प्रहलाद जी के लिए भेजा, लेकिन प्रहलाद जी बस भगवान का चिंतन करता, भगवान का ध्यान करते करते बस एक ही मन में लगन है, एक ही रटन है। उनको क्या पिता दुख दे रहा है, क्या सुख दे रहा है, उसमें उनका मन नहीं है। बस परमात्मा से एक ही लगन है, एक ही मन में जाप है, एक ही परमात्मा के प्रति लगन है।